पाक आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। आईएसपीआर के मुताबिक जीओसीएसएसजी खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कयादत कर रहे हैं। एक और डोली को इसी रस्सी पर डाल दिया गया। छोटी डोली से खाने पीने की अशिया भेजी जा रही हैं। नई डोली में एक एक करके इंतहाई एहतियात के साथ बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा। पाक आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शुमारी इलाका जात से लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट्स की खिदमत भी हासिल कर ली। इलेक्शन का इनेकाद फरवरी में भी मुमकिन नहीं। साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एबी न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मेजबान ईसा नकवी के साथ गुफ्तगू में कमर दिलशाद का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर को नई हल्काबंदियों का ऐलान करना है। नई हल्काबंदियों के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर लिस्टें तैयार करने के लिए 3 माह दरकार होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। मुलाकात में मुल्क की इक्तसादी, मौशी और माशरती सूरत हाल, बैनुल मजहबी हम आहंगी और दीगर मौजूआत पर तफसीली गुफ्तगू। वफ़द ने निगरान वजीर आजम की तवज्जो कराची में हदबंदी के मसले और पानी की किल्लत के देरीना मसले के जानिब मबजूल करवाई। वजीर आजम की वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी।